स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम हम यही नहीं बोल सकते कि खाली रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो डेफिनेटली इट इज़ अ डायग्राम फॉर श्योर, लेकिन ये ऐसा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। चाहे डायग्राम छोटा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बेसिकली ओवर हियर एग्जामिनर्स ये देखना चाहते हैं कि आपको वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, और एक डायग्राम से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, आपका जो लॉजिक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी जल्दी एनालाइज कर सकते हो डेटा को डायग्राम के फॉर्म में। सो दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। वेन डायग्राम्स जो है हमेशा सर्कुलर डायग्राम्स होते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंड रिमेंबर कि कभी भी एक सर्कल जो है वो वेन डायग्राम फॉर्म नहीं करेगा। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एटलीस्ट टू सर्कल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सर्कल्स ऐसे हैं कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, देन दिस इज़ अ केस ऑफ ओवरलैप। अगर आपके पास दो ऐसे डायग्राम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ इंटरसेक्शन। ओवरलैप का मतलब होता है कि ए का सारा पार्ट बी में है, मतलब ए एक ऐसी आइटम है जो बी में इंक्लूडेड है, और यहां पर ए और बी है, यहां पर ए का सारा पार्ट बी में इंक्लूडेड है। यहाँ पर देखोगे कि ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में है, बी का कुछ ऐसा पार्ट है जो ए में है। तो जब कम्प्लीटली इंक्लूडेड होगा दैट इज़ ओवरलैप, और जब कम्प्लीट इंक्लूजन नहीं होगी दैट इज़ इंटरसेक्शन। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वेन डायग्राम की। इन दो डायग्राम से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ए यूनियन बी है यहाँ पर, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। और अगर दो ऐसे डायग्राम्स हैं, एक ए और एक बी, जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट। इन्हें कहा जाता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब जिनके बीच में कोई भी जॉइंट्स नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट सेट्स हैं ये, या ऐसे बोल दें कि ये सेपरेट क्लास है जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आज के वेन डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक रिलेशन, दैट इज ओवरलैप एंड डिसजॉइंट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं ओवरलैप एंड इंटरसेक्शन अलोंग विद डिसजॉइंट, लेकिन आज हम कंबाइन करेंगे दो रिलेशंस को, और वो कॉम्बिनेशन होगा ओवरलैप एंड डिसजॉइंट का। इसका मतलब ये होगा कि एक डायग्राम ऐसा होगा जिसमें दोनों ये क्लासेस हमें डिफाइन करनी होगी, या दोनों डायग्राम्स उसमें इंक्लूड करने होंगे। तो उसका एग्जांपल हमारा बन सकता है 1, 2 and 3, ए बी एंड सी। ये बन सकता है हमारा एक एग्जांपल, जहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है ओवरलैप का, और जो ए और बी है ये है डिसजॉइंट। तो ये हमारा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हो सकता है ओवरलैप का, एंड ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज आए ब्रदर, सिस्टर, फैमिली। अगर हमें इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली, तो हमें पता है कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में तो कोई रिलेशन है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकती है, या कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स भी हो सकती है। नो, आपस में ये इंटररिलेट नहीं करते हैं, और क्योंकि ये आपस में इंटररिलेट नहीं करते हैं, इसलिए ब्रदर और सिस्टर को हमें अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब टर्म आती है फैमिली की, तो सिस्टर भी फैमिली का पार्ट है और ब्रदर भी फैमिली का पार्ट है, मतलब ओवरलैप हो रहा है, कंप्लीट है। सिस्टर के बिना भी फैमिली इनकम्प्लीट है, ब्रदर के बिना भी फैमिली इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट आएगा ओवरलैप का,
एंड वो बताएगी हमारी फैमिली. यहाँ पर हमने बी ब्रदर को बी से रिप्रेजेंट किया है, सिस्टर को एस से रिप्रेजेंट किया है और फैमिली को एफ से रिप्रेजेंट किया है. ये था हमारा बेसिक आज के टॉपिक का एंड ओवरऑल वेन डायग्राम का भी, जहाँ पर हमने बात की है ओवरलैप की. ओवरलैप मतलब यूनियन होता है. इंटरसेक्शन, ये ऐसे इंटरसेक्शन दिखाएंगे. एंड देन सेपरेट क्लासेस, ये डिसजॉइंट हो गया. और आज का हमारा टॉपिक है डिसजॉइंट अलोंग विद ओवरलैप. तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम डिसजॉइंट एंड ओवरलैप एक ही जगह दिखा सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखने को अब हमें सीखना होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल्सो कीप इन माइंड के रीजनिंग का टॉपिक तो है ही वेन डायग्राम, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैथ्स का डायग्राम. क्वांट में भी आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी. तो आप इस टॉपिक को प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका एक सब्जेक्ट नहीं दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं इस टॉपिक के रिगार्डिंग. तो चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ओवरलैप एंड डिसजॉइंट. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच शोज द रिलेशन बिटवीन बस कार एंड व्हीकल. और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास फोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उन फोर ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बस कार और व्हीकल के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा. तो फर्स्ट हम लिख देते हैं बस कार एंड व्हीकल. अब हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है. क्या बस और कार का कोई रिलेशन है? क्या कोई भी बस कार हो सकती है? नहीं. और क्या कोई कार बस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं. मतलब कार और बस का आपस में डिसजॉइंट रिलेशन है. जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता उनको हम एक सेपरेट क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक क्लास है दैट इज ऑफ बस, ये एक क्लास है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार. और बस और कार में कोई भी रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं आएगा. हम उन्हें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे. नेक्स्ट, क्या कार एक व्हीकल है? है. क्या बस एक व्हीकल है? डेफिनेटली है. तो कार एक व्हीकल है तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे. बस भी एक व्हीकल है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कार्स हैं जो व्हीकल्स हैं, कुछ नहीं है. पर ऐसे तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि एक एक कार व्हीकल है, डेफिनेट है. क्या सारी बसेस व्हीकल होती हैं? बिल्कुल होती हैं. तो हमने क्या कर दिया, उनको यूनियन में कर दिया कि सारी बसेस जो हैं वो व्हीकल हैं. अब यहाँ पर भी व्हीकल है, यहाँ पर भी व्हीकल है, मतलब व्हीकल कॉमन है. और क्योंकि व्हीकल यहाँ पर कॉमन है और बस और कार अलग अलग है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे बस, कार और व्हीकल को हम ओवरलैप कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो बस में भी कॉमन है और कार में भी कॉमन है. तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा एक वैलिड डायग्राम है. और ये डायग्राम क्या फर्स्ट में है? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि यहाँ पर बस कार और व्हीकल में इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब कुछ बसेस कार है और कुछ कार व्हीकल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. यहाँ पर भी अगर आप कुछ भी देख लो तो यहाँ पर डिसजॉइंट तो हो रहा है लेकिन एक में इंटरसेक्शन हो रहा है. पर हमें तो ओवरलैप चाहिए, डिसजॉइंट चाहिए और ओवरलैप चाहिए. दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट ओवरलैप, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. यहाँ देखो, यहाँ पर डिसजॉइंट भी है और ओवरलैप भी है. तो इसको हम बोल देंगे बस, इसको बोल देंगे कार और इसको बोल देंगे हम. तो हमारे पास थ्री एंटिटीज है और थ्री एंटिटीज है बस, कार और व्हीकल. और ये क्या है? एक डिसजॉइंट है एंड ओवरलैप रिलेशन. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बस, कार और व्हीकल रिप्रेजेंट कर रहा है डिसजॉइंट एंड ओवरलैप रिलेशन. और क्योंकि हमारा ये जो डायग्राम है कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन बिटवीन बस, कार एंड व्हीकल, इसलिए ये होगा हमारा वैलिड आंसर. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वेन डायग्राम को. वेन डायग्राम के बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं, वो होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन जो हो सकता है, ओवरलैप, इंटरसेक्शन एंड देन
डिसजॉइंट भी हमने डिस्कस किए, और आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये समझा है कि कैसे दो रिलेशंस को हम जॉइन करके एक डायग्राम बना सकते हैं, और वो था हमारा डिसजॉइंट एंड ओवरलैप रिलेशन। वो हमने डिस्कस किया कैसे बन सकता है, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए उसके लिए, और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इस पार्ट को डिस्कस किया है। सिमिलर एग्जाम्पल हमारा हो सकता है टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पर टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चेयर भी फर्नीचर है और टेबल भी फर्नीचर है, तो ये दोनों हो जाएंगे डिसजॉइंट और फर्नीचर बन जाएगा हमारा ओवरलैप केस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझिए, और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके कुछ अलग लेवल के लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक्स के बारे में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जामिनर्स कौन से लॉजिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उन्हें भी अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस करके उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। And this is how you will succeed in your exams, and also you can compete your competitors in a better manner. So I suggest you to keep practicing, keep learning, and do register at abhyasonline.in.